अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने इस फ़ोन का, पोको M3 बाय शाओमी, जो मैंने रिसेंटली बाय किया 2 दिन पहले मार्केट से। तो इसका मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने इसको यूज़ किया 2-3 दिन में, मुझे इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलते हैं हम अपने इस फ़ोन की तरफ, जो कि मैंने अपने लिए एक अपने यूज़ के लिए बाय किया। इसके बाद मुझे सबसे पहले एक वारंटी कार्ड मिला है, जिसके अंदर इसकी जो वारंटी, मैंने फ़ोन बाय किया फेब्रवरी में, जबकि इसकी वारंटी शुरू हो रही है 01 मार्च 2021 से, यानी कि मुझे अभी भी 1 माह की इसमें रिलैक्सेशन है कि मेरी वारंटी बाद में स्टार्ट होगी। एक इसका ये एक अच्छा जो इन्होंने दिया। अब हम इसके बॉक्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो ये है कि इसकी रिमार्केबल जो इसके ऊपर मैंशन है, वो है 6000 mAh जो इसकी बैटरी है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद इसका जो वेरियंट है ना पोको M3 का, वो सबसे पहले इसके ऊपर बाहर मैंशन है, वो है कि ये आता है 3 कलर्स में, एक पावर ब्लैक, एक ब्लू और एक शॉकिंग येलो में। इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, एक वेरिएंट होता है इसका 464 वाला और एक वेरिएंट होता है इसका 4128 वाला। जो मैंने बाय किया अपने यूज़ के लिए, वो है 4128 वाला वेरिएंट। हम इसको ओपन करते हैं और इसके मज़ीद फीचर्स की तरफ जाते हैं। हम इसको ओपन करते हैं, ये इसके ऊपर से पैकिंग रिमूव कर देते हैं, जिसके ऊपर एक लेमिनेशन हुई है। ये प्योर साथ साथ बात चलूँ कि ये प्योरली शाओमी जो है, ये प्योरली अपनी एक चाइनीज़ कंपनी है और माशाल्लाह काफ़ी मार्केट में इसका इस टाइम अरूज है। तो हम इसके तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे तरफ पास एक इसका एक बॉक्स है, जिसके अंदर इसको हम ओपन करते हैं। तो इसके अंदर हमें एक सिम इजेक्टर प्रोवाइड किया गया है, जो कि हमारी सिम्स को रिमूव करने के काम आएगा। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, तो इसके अंदर वाजिबा एक हमारे पास इसका एक सिलिकॉन कवर है, जो कि इसके लिए प्रोवाइड किया गया है कंपनी की तरफ से। और इसके अंदर हमारे पास एक इसका वारंटी कार्ड है, और सेकेंडली इसके हमारे पास एक इसकी यूज़र गाइड है, जो कि पढ़ने के लिए हमें काफ़ी तेज़ नज़र की ऐनक लगवानी पड़ेगी। इसको हम साइड पे रखते हैं, वो हर एक की मर्ज़ी है जो पढ़े। उसके बाद हम इसका एक कवर देखते हैं, काफ़ी अच्छा कवर है, जो कि सिलिकॉन है। उसके ऊपर साथ इसके ऊपर मैंशन है कि डिज़ाइन बाय पोको, यानी कि इसने खुद डिज़ाइन किया अपना कवर और प्रोवाइड किया। हम इसके बाद इसके चलते हैं डिवाइस की तरफ। इसकी जो डिवाइस है, वो मैंने बाय की है पावर ब्लैक कलर में, 4128 के वेरिएंट में। ये जी आपके सामने डिवाइस मैंने प्रेजेंट की। ये जो डिवाइस है, इसकी लुक बज़ाहिर बहुत एक डिफरेंट और बड़ी अच्छी लुक है। जो इसका हम इसको पावर ऑन करते हैं, साथ साथ इसके मुख्तलिफ आगे मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये जी ये ऑन हो गया, पोको पावर्ड बाय एंड्रॉयड। जब तक ये ऑन होता है, हम उतनी देर में इसके बॉक्स को मज़ीद ओपन करते हैं और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। अब इसमें जब हम डील डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे पास इसमें सी टाइप चार्जिंग है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये डुअल सपोर्टेड होती है और ये अच्छी केबल होती है सी टाइप। सेकेंडली इसमें जो हमारे पास चार्जर है, वो है फास्ट चार्जर, यानी कि इसमें जो हमारे पास जो सपोर्ट ये करता है मोबाइल, वो करता है 18 वाट की चार्जिंग को, फास्ट चार्जिंग को। लेकिन जो हमें इसके साथ प्लस पॉइंट एक अडेप्टर प्रोवाइड किया है, वो है 22.5 वाट मैक्स और 1.67 एम्पेयर का, यानी कि एक रिमार्केबल चार्जर है, जिसके थ्रू हम अपने फ़ोन की जो वर्किंग एफिशिएंसी और चार्जिंग एफिशिएंसी, उसको बहुत अच्छा रख सकते हैं। हमने इस चार्जर को भी देख लिया। अब हम इसके बॉक्स के अंदर मज़ीद कुछ नहीं है, ना इसके साथ कोई हैंड फ्री है, ना कुछ हो रहा है इस तरह का। तो बेसिकली वो इसलिए हैंड फ्री प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि अब वो अपनी डिजिटल नए दौर के साथ एडवांस हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम वायरलेस को यूज़ करें, ना कि हैंड फ्री को। तो अब हम इसके फ़ोन की तरफ जाते हैं। फ़ोन की जो बज़ाहिर एक लुक है, जो मैंने फ़ील की, जो मैंने सर्च की, वो एक बहुत ही डिफरेंट है, और अच्छे ग्राफिक्स है इसकी, ग्राफिक क्वालिटी 1080 को ये इजीली सपोर्ट करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसकी जो बैक है, उसमें जो इसका ये बैक सरफेस है, वो इसकी लेदर फिनिशिंग है इसकी, जो कि इसको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करती है। क्योंकि आम जो होता है, जो बाइकार्बोनेट वाली कवरिंग होती है, वो स्लिपरी होती है या बहुत प्लेन होती है, वो हाथ से स्लिप होती है। लेकिन ये देखें, मैंने इसको यूँ आपके सामने हिला रहा हूँ, लेकिन ये स्लिप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लेदर मैट है। उसके साथ इसका जो कैमराज है, अब हम इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैमराज की तरफ आते हैं, कि इसके जो कैमराज प्रोवाइड किए हैं, वो किस तरह के हैं। जो इसका बैक कैमरा है, जो इसका मेन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल इसका फ्रंट बैक कैमरा है। उसके साथ इसमें 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, यानी कि जो इसको एक रिमार्केबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसके ऊपर ये पोको प्रिंटेड है, उसकी कंपनी का अपना लोगो, जो कि इसको एक बड़ी यूनिक सी शेप दे रहा है और एक डिज़ाइन दे रहा है। उसके बाद हम इसके फ्रंट कैमरा की तरफ आते हैं, जो कि डॉट ड्रॉप डिस्प्ले है, और ये 8 मेगापिक्सल है,
बज़ाहिर तो ये 8 मेगापिक्सल कम है लगता है कि डिवाइस के और डिवाइस के मुताबिक, लेकिन अगर हम इसकी रिजल्ट्स को देखें तो ये रिज़ल्ट एक अपने आप में एक अच्छा है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी अच्छी यूज़ की गई है। उसके बाद हम इसके जो इंटरनल इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखें, वो कुछ इस तरह है कि इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो चिपसेट इसका है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर है, और वो इसकी बैटरी को मज़ीद सपोर्ट करता है। जो स्नैपड्रैगन होता है, ये आपको बताता चलूँ साथ साथ, कि जो स्नैपड्रैगन हमारा चिपसेट होता है वो इसकी बैटरी हेल्थ को और बैटरी लाइफ को तकरीबन 15 से 20% इंक्रीज़ करता है, क्योंकि वो प्रोसेसर में अपनी ही एक पावर है। उसके बाद हम इसमें जो इसका फिंगरप्रिंट है वो ना इसकी फ्रंट स्क्रीन में है ना इसकी कहीं बैक पर है, जो इसका फिंगरप्रिंट है वो इसकी साइड फिंगरप्रिंट है बटन पर, जो कि एक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया वो काफ़ी क्विक है, यानी कि मैं जैसे ही मैं इस पर फिंगर प्लेस करता हूँ साथ ही ओपन करता है, और मैंने इसके ऊपर अपना फेस अनलॉक भी अप्लाई किया था, जो कि इस कदर क्विक है कि मैं सिर्फ इसके ऊपर डबल टैप करता हूँ तो ये मेरा फ़ोन स्कैन करता है, जितना मर्जी डिस्टेंस पे हो फ़ौरन स्कैन करता है और लॉक अनलॉक कर देता है। ये तो इसके कुछ रिमार्केबल फीचर हो गए जो कि इसके प्रोसेसर और इसकी चिपसेट के हवाले से थे। अगली चीज़ हम इसकी एक चीज़ देखते हैं कि इसका कैमरा रिजल्ट कैसा हमने ऑब्जर्व किया जो क्लिक किया। सबसे पहले मैंने इसे एक पिक्चर क्लिक की, सिंपल सी एक मैंने अपने कैमरा के कैप की मैंने पिक्चर क्लिक की, तो जूम करने पर यह काफ़ी बेहतर आई है और इसका ब्लर भी काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ हम इसको एक और इसका यूज़ करते हैं, 48 मेगापिक्सल वाला फीचर है इसका, जो कि अगर हम उसको जूम करें करते जाएंगे तो ये आपको एक स्क्रीन पे नज़र शो होगा HD प्रीव्यू। इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली 100% 48 मेगापिक्सल यूज़ कर रहा है। हम इसको 100% तक जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, तब भी इसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब नहीं होती। इसके बाद हम इसका ये बैरियर कैमरा के रिज़ल्ट को डील करने के बाद हम मूव करते हैं अपने, ये भी एक और क्लिक है जो मैंने किया था इससे, हम इसके मूव करते हैं सेल्फ़ी कैमरा की तरफ। जब हम इसका सेल्फ़ी कैमरा ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शो करता है, ये देखें काफ़ी इसका अच्छा रिज़ल्ट है, बेहतर क्वालिटी आपको मेरा कैमरा शो हो रहा है, ऊपर फैन शो हो रहा है। तो इसके बाद हम इसकी जो कैमरा है वो कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। हम इसकी अगली चीज़ जो इसकी डिस्कस करेंगे वो एक बड़ी ही रिमार्केबल इसका जो फीचर है जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो ये है कि जो सी टाइप इसकी चार्जिंग है उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि अगर ये फास्ट चार्जिंग के को सपोर्ट करता है तो ये एज ए पावर बैंक किसी दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकता है। यानी आप इसके साथ सी टाइप लगा के दूसरे फ़ोन में सी टाइप या एंड्रॉयड लगाएं तो ये एक पावर बैंक बन जाएगा और वो दूसरे फ़ोन को चार्ज करेगा, यानी कि ये एक इसमें बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है। सेकेंडली इसमें एक जो मज़ेदार मैंने चीज़ देखी वो ये देखी कि इसमें जो स्पीकर है एक इसका टॉपर है, ये 3 डॉट्स आपको शो हो रहे होंगे, साथ इसका एक जैक है हैंड फ्री जैक, ये जो 3 स्पीकर्स हैं ये 3 स्पीकर्स और ये बॉटम पे 3 इसके होल्स, ये दोनों इसके स्पीकर्स हैं, यानी कि आपको एक बैलेंस्ड वॉइस प्रोवाइड करने के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डिवाइस है। यानी कि अगर आपको किसी किस्म की इसने वो प्रोवाइड करनी है साउंड, आपको अच्छी साउंड चाहिए तो ये प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ साथ एक और जो इसमें मैं आपको चीज़ दिखाते चलूँ वो ये है कि इसका जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर इसकी चिपसेट वो सिम कार्ड की ट्रे है, जिसमें 2 सिम कार्ड SIM 1 SIM 2 और तीसरा इसमें हैंड वो मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है, जो कि यानी इसकी 128 GB अपनी भी स्टोरेज है, और सेकेंडली इसमें जो है वो 512 GB तक मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता ही है। हम इसकी सिम ट्रे को ओपन करके आपके सामने डिस्प्ले करते हैं कि ये किस तरह की इसकी अंदर से सिम ट्रे है। ये हमने सिम ट्रे को ओपन किया, ये मैंने अपनी एक सिम बीच में डाली हुई थी उसको साइड पे रखते हैं, ये इसकी सिम ट्रे है, SIM 1 SIM 2 और मेमोरी कार्ड स्लॉट, ये चीज़ ये देखें, ये हमारा इसका जो इसका डिस्प्ले है वो भी काफ़ी बेहतर है, वर्किंग क्वालिटी इसका रिफ्रेश रेट भी बहुत अच्छा है। रिफ्रेश रेट जिसको मालूम है वो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को ओपन करते हैं और आप इसको यूँ स्वाइप करते हैं और कोई चीज़ आप बड़ी फास्ट वर्किंग यूज़ करें तो इसका रिफ्रेश हो रहा है। प्लस इसमें जो एक और चीज़ जो गेमर्स आजकल हमारे यूज़ कर रहे हैं गेमर्स के लिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्या कि इसमें स्नैपड्रैगन है प्लस 6000 mAh है, यानी लॉन्ग टाइम तक गेम खेल सकते हैं। सेकेंडली इसमें वो गेम खेलने के साथ साथ इसकी वर्किंग क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि ये स्नैपड्रैगन है, बहुत फेमस है अपनी वर्किंग क्वालिटी गेमिंग के लिहाज से और वीडियो एडिटिंग के लिहाज से भी, आप इसमें वो भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसके सारे फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं, अब इसकी प्राइस की तरफ आते हैं कि जो इसकी प्राइस है वो हमें कितनी मिली। जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है
वो तकरीबन 28,000 है, जो कि मैंने इसके शाओमी के ऑफिशियल स्टोर से बाय की है। तो आप जाएं विज़िट करें शाओमी के स्टोर से और इसको बाय करें अगर आपको डिवाइस पसंद है। इसी के साथ अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।